अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं आपका रिजवान व्लॉगर। आज जो है हम लोग जा रहे हैं फार्म हाउस को, मोइनाबाद के पास जो है जा रहे हैं मोइनाबाद फार्म हाउस। फार्म हाउस का नाम जो है डिटेल्स आपको बोलता हूँ मैं। अभी कार स्टार्ट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भैया लोग आने वाले हैं इंशाल्लाह। अपन जो है पूरा ब्लॉग वहाँ पर शूट करेंगे। ये ब्लॉग में बहुत एक्साइटमेंट है, तो फार्म हाउस को जा रहे ना, मस्त इंजॉय करते। वहाँ पर जो है स्विमिंग पूल वगैरह रहता अपने को, तो चलिए गाइस अभी निकलते हैं। अभी टाइम अगर आपको कार में बताया तो टाइम क्या हो रहा है उनके, ये देखिए अभी 2:23 हो रहा टाइम, तो अभी निकलने वाले हम लोग। ये देखिए अभी निकल गाइस, अभी जा रहे रास्ते में मेहदीपटनम। मेहदीपटनम अपने को यहाँ से गोलकुंडा भी जा सकते, रोड बोलते हैं फुल ट्रैफिक है। तो गाइस अभी जो है हम लोग यहाँ पे लंगर हाउस फ्लाईओवर पे, लंगर हाउस रोड है, यहाँ से जो है आगे स्ट्रेट जो है फार्म हाउस के लिए निकल रहे, रास्ते में है अभी। मेहदीपटनम टोली चौकी फुल ट्रैफिक है वहाँ पे, मेहदीपटनम लकड़ी का पुल इतनी ट्रैफिक थी वहाँ पे, बहुत ट्रैफिक थी। अभी जो है हम लोग निकले गाइस, फाइनली जो है हम लोग पहुंच गए पाम कॉटेज। ये है अपना जो है, तो गाइस फाइनली जो है फार्म हाउस को पहुंच गए हम लोग यहाँ पे। अभी जो है अंदर जा रहा हूँ मैं, पूरी कार पार्किंग है यहाँ पे, पूरी कार पार्क कर लेने अलग सेपरेट से जगह है यहाँ पे। तो अभी जो है अंदर जा रहा हूँ मैं, ओके फार्म हाउस के अंदर एंटर करें। ఇది ఒకటే ఉంది, ఫార్మ్స్ రెండు ఉన్నాయి, ఒకటే ఈ రోడ్ పేరు ఏం, రోడ్ పేరు ఏం పేరు వస్తుంది? శాకల్గూడ కనకమాంబడి। పర్లేదు, వచ్చే ఏం ఏం పేరు? రవి సార్, రవి అన్న హే అప్నే ఏ కాటేజ్ మే పూరా అనోద్ దేఖ్ లేతే మెయింటెనెన్స్ వగరా, తో అబ్బి ఆయే అచ్చా హే జబర్దస్త్, ఔర్ ఆగే జాకే వీడియో నికల్ దే, ఏమంటారు మంచిగా ఉంది లోపల పోయి వీడియో తీద్దాం। तो फाइनली गाइस आ गए हम लोग वहाँ पे फार्म हाउस में, आ गए यहाँ पे, बेहतरीन है ज़बरदस्त माशाल्लाह। लंच हो गया और जो है सो अभी चाय वगैरह पीएंगे, बोल के 6-6 बज रहे थे टाइम, चाय वगैरह पीना बोल के निकले हम लोग। लेफ्ट साइड में देखे तो अपने को कहीं भी होटल साइज नहीं, पूरे जो है खेतांता दिख रहे आपको। राइट साइड में गए तो 12 किलोमीटर जाना पड़ता चेवेल डाकू, लेफ्ट साइड में गए तो वेंकटापुरम बोल के विलेज आता, वहाँ पे ईरानी चाय ज़बरदस्त बेहतरीन चीखमार चाय मिलती बोल के बोले। तो हम लोग कार ले लेके निकल गए, बड़ा धर्मास ले लेके, उसमें जो है 300-400 रुपये की चाय आ जाती आराम से, जो है पूरे जितने 20-30 लोग 40 लोग जितने पूरे लोग पी लेते बोल के निकल गए। रोड गाइस देख रहे ना आप, रोड कैसी है, कच्ची बिल्कुल जो है सही रोड नहीं है, मगर फार्म हाउस बेहतरीन है ज़बरदस्त। इसका जो है अपने को खेता वगैरह है, तो चाय ले लेके आते अभी हम लोग निकले यहाँ पे। तो अंदर का व्यू है पूरा, अभी अंदर आ गए, उधर कॉटेज साइड नहीं दिखा सकते क्यों बोले तो लेडीज़ वगैरह रहते हैं, अपन पूरा व्यू नहीं बता सकते, थोड़ा थोड़ा कवर करना पड़ता, ज़्यादा है लोग, 20-30 लोग हैं अपने, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो गाइस फाइनली जो है आ गए अपन फार्म हाउस में, फार्म हाउस में जो है पूरा चिल्ड्रन एरिया है यहाँ पे, पूरा चिल्ड्रंस प्यारे प्यारे चिल्ड्रंस है, हमारे माहरीन है, माहरीन को बताओ जी, ये माहरीन ब्लॉगर है हमारे, आप क्या है यूट्यूबर है ना, ये माहरीन यूट्यूबर है ना, हमारे माहरीन यूट्यूबर। अब पूरे बच्चे खेल रहे, शाम में जो है बड़े लोग चाय वहाँ पी ले रहे, मस्त मौसम है ज़बरदस्त माशाल्लाह, और जो है सो बच्चे अच्छे मस्त एंजॉय कर रहे। ये पीछे पूरा प्लेइंग एरिया है, पूरा आपको दिख रहा है, पीछे प्लेइंग एरिया है पूरा, यहाँ पे कार पार्किंग वगैरह है इधर साइड में, लेफ्ट साइड में पूरी कार पार्किंग है पूरी इधर,
इधर से, ये पूरी कार पार्किंग है, पूरा कार पार्क कर सकते हैं। उधर कॉटेज वगैरह है, उधर जो है नहीं बता सकते, उधर पूरे बच्चे वगैरह खेल रहे, चिल्ड्रंस एरिया है पूरा। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त वेदर भी अच्छा है, ठंडक। स्विमिंग पूल है अपने को, स्विमिंग पूल ज़बरदस्त है, बेहतरीन, उसमें स्विमिंग कर सकते हैं। अभी शाम का टाइम है, अभी तक तो मैं पानी में नहीं उतरा, पानी में जाके स्विमिंग करना है यहाँ पे। ये पूरा स्विमिंग पूल है पीछे, यहाँ पे जो है वॉशिंग एरिया है, स्विमिंग पूल भी है पूरा, छोटे बच्चों के लिए भी है। देखिए पूरा छोटे बच्चों के लिए, ये बड़े बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए पूरा। तो स्विमिंग करना दिल भर रहा, मगर फिर भी जो है बहुत जो है मौसम वेदर बहुत ठंडा था, फिर भी जो है कोशिश करके स्विमिंग करा है माशाल्लाह। गार्डन एरिया है, गार्डन एरिया ख़त्म होते कि अपने को स्विमिंग पूल आता, पीछे गार्डन है पूरा बहुत बड़ा, पूरे जो है बैठ के खा सकते पी सकते, म्यूजिकल चेयर बोल के कोई कुछ भी खेलते रहते उसमें, बच्चे वगैरह इंजॉय कर सकते हैं उसमें। बाहर का व्यू है आपको, ये बाहर जो है अपने को स्विमिंग पूल पूरा जो है बड़ा एकदम जो है, ये देखिए पूरा बड़ा जो है स्विमिंग पूल है अपने को। तो ये बाहर घूम लिए फिर लिए, अब स्विमिंग पूल के पास से सीधा इधर आए, पूरे बारबेक्यू कर रहे, भुट्टों का बारबेक्यू है माशाल्लाह ज़बरदस्त। क्यों बोले तो रेडीमेड पूरा घर से पका के ला लिए थे पूरे लोगों, यहाँ पे कुछ भी नहीं करे, बच्चों के लिए भुट्टे ला लेके उन लोगों को भुट्टे भून कर जो है स्पेशली रेडी करके दिए खाते। क्यों बोले तो रेनी सीज़न है, ठंडा है, बच्चों को जो है अच्छा रहता है एंटरटेनमेंट, बोल के ले लेके आके उन लोगों को दिए। तो गाइस फाइनली जो है स्विमिंग पूल में मैं एंटर करने वाला हूँ, स्विमिंग ड्रेस पहन लिया, देखिए जा रहा हूँ अब स्विमिंग पूल। तो गाइस स्विमिंग पूल में अभी जा रहा हूँ मैं, आपका रिजवान ब्लॉगर। तो अभी जो है एक डाइव मार के अब सेकंड डाइव मारो, सर्दी बहुत हो रही, बहुत क्या बोलते ठंडा है, पूरा दम चढ़ा ज़बरदस्त। तो देखिए अब स्विमिंग पूल में जा रहा हूँ, आपका रिजवान ब्लॉगर वन टू बाय। तो गाइस आपका रिजवान ब्लॉगर आ गए, गाइस फाइनली जो है पानी में स्विम कर रहे हैं बेहतरीन हमारे एहसान भाई। एहसान भाई जाओ जी ज़रा पानी में, एक ज़बरदस्त बेहतरीन जो है स्विम करके बताओ ज़रा, फुल क्राउड है यहाँ पे पानी में जो है अभी बेहतरीन, मतलब ठंडा है पानी एकदम बिल्कुल। एहसान भाई पानी गर्म है, ठंडा है, ठंडा ही से पानी, नॉर्मल पानी है माशाल्लाह। स्विम कर रहे हैं अभी, स्विम के बाद जो है डिनर विनर रहेंगे अब इंशाल्लाह, चाय भाई पी लिए। तो गाइस बहुत ठंडा है पानी, ज़बरदस्त भरती है पानी है, पानी में स्विम कर रहे हैं। अच्छा हुआ बारिश नहीं हुई, पानी नहीं पड़ रहा, नहीं तो ऊपर ठंडा नीचे गर्म हो जाता था पूरा मसला। तो गाइस फाइनली जो है स्विम कर लिए, मेरे को तो थोड़ी थोड़ी स्विमिंग आती है, हमारे एहसान भाई जो है मेरे को सिखा दिया, एहसान भाई तो हमारे एहसान भाई है भाई, हमारे चाहने वालों को यूट्यूब पे जो है व्यूअर्स को हाय बोल के बोलो ज़रा, कैसा है स्विमिंग पूल वगैरह कैसा है ज़रा बोलिए। अच्छा है स्विमिंग पूल तो, हाँ आज इस मालूम हुआ मेरे को चैनल के बारे में, इनके शुक्रिया इंशाल्लाह, देखेंगे वीडियो से और बनाए थे अच्छे इंशाल्लाह, देखेंगे सर। शुक्रिया भाई, ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब लाइक करो शेयर करो, आपके फ्रेंड्स में कॉलेज में पूरों को जो है वीडियो चले आना अपनी बार इंशाल्लाह, भेज करो सर ब्लॉग।
मालूम है ना यूट्यूब पे रिजवान ब्लॉगर बोल के मार्केट तो आया था, तो स्विमिंग बेहतरीन सीखा है भाई। स्विमिंग आप कहाँ सीखे, किधर सीखे आप स्विमिंग? मैं सीखा स्विमिंग पूल में जाके सीखा था, रोज जाता था स्कूल में। अच्छा वहीं पे सीखा था। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। मगर बेहतरीन जो है स्विमिंग के, तो गाइस बेहतरीन जो है अपने को स्विमिंग टिप्स दिए अपने एहसान भाई। अभी जो है 2 hours से स्विम कर रहे हम लोग। क्या एहसान भाई 2 hours से कर रहे हैं? हाँ 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गया हम लोग पानी में से, मस्त जो है पानी में मछलियों के साथ तैर रहे। और जो है सो अच्छे अच्छे टिप जो है हमारे एहसान भाई बोले, मेरे को पैरा ऊपर करना, घुटने अंदर नहीं करना, और जो है सो फुल सांस लेके डाइव कैसा मारना, ऐसे पूरे चीज़ें हैं तमाम, वो चीज़ें पूरे सिखाए हमारे एहसान भाई। शुक्रिया एहसान भाई। और जो है सो अब 8:41 हो रहा टाइम, अब 1 आवर उसके बाद जो है डिनर का टाइम हो जाता। डिनर के बाद जो है फ्रेश अप होके थोड़ा चाय वगैरह पी लेके नेक्स्ट जो है अब फिर रिटर्न बैक टू हैदराबाद। तो गाइस अभी जो है पूरा हम लोग आज है ब्लू, क्या बोलते हो, आज है ब्लू है पानी पानी, आज ब्लू है पानी पानी बोले था, पूरा जो है फुल पानी पानी हो गए अभी। ये पीछे जो है हम लोग आए सो व्हीकिल से पूरे कार से होकर आपके इसमें आए पूरे। तो गाइस स्विम कर लिए 2-3 घंटे, 4 घंटे से स्विम कर रहा हूँ, पूरा बॉडी पेंस हो रहे मेरे को। बॉडी पेंस होने के बाद जो है अब मैं आगे बाहर थोड़ा हम लोग रिलैक्स कर रहे हैं। यहाँ पे मैं और हमारे एहसान भाई, ये चिल्ड्रंस एरिया का बता रहा हूँ मैं, क्यों बोले तो वहाँ पे बड़ा ग्राउंड है, झूले वगैरह है यहाँ पे, बच्चों के लिए बहुत सहूलत है यहाँ पे, बड़े लोगों के लिए सामने पूरा बिल्कुल बड़ा ग्राउंड के वैसा जो है आपको बेहतरीन है वहाँ पे। ये पूरा जो है ये देखिए, ये बच्चों का है पूरा, ये महरीन है हमारे, महरीन यूट्यूबर है ना तो खेल रहे बच्चों के साथ ऐसा पूरा मस्त एंजॉय कर सकते गाइस आप लोग आके यहाँ पे। यहाँ पे हैदराबाद से जो है अपने को 49 किलोमीटर बता रहा, अंबरपेट गोलना का मलकपेट से अपने को, अंबरपेट से तो अंबरपेट मलकपेट आप ये एरिया से आए तो 50 किलोमीटर है, अगर मेहदीपट्टनम रहे तो 10-15 किलोमीटर कम हो जाता, मगर अच्छा है एरिया, बहुत बड़ा जो है आपको फार्म हाउस है। और इसका डिटेल्स वगैरह आपको गूगल पे जाके आप सर्च करें तो जो है आपको मालूम हो जाता, गूगल पे क्या रेट है इसका क्या है बोल के मालूम हो जाता। मैं वो इनके मैनेजर नहीं थे, मैंने तो पूछने वाला था खाली, वॉचमैन रवि बोल के था बच्चा, उसको पता करा तो उन्हें नहीं मालूम बोल के बोला। तो आप नाम डिटेल्स वगैरह आप गूगल पे मारे तो आ जाते, डिटेल्स वगैरह आप गूगल पे मारे तो आपको आ जाते हैं। हमारे रुजदान है, रुजदान को बोला मैं एक पोएम बोलो, बोले तो उन्होंने जो है देख रहे हैं अभी तो खाना वाना खा लिए, पोएम आ कहीं को अभी छुट्टी पे है हम लोग, पोएम्स नहीं बोलते बोल के बोल रहे थे हमारे रुजदान। तो बच्चों के लिए बड़ों के लिए हर किसी के लिए अच्छा है गाइस फार्म हाउस वगैरह, ये बेहतरीन आप जो है फैमिली के साथ विजिट कर सकते, 20-30-40 लोग भी आ सकते आराम से, खा पी के जा सकते। तो गाइस फाइनली जो है पाम कॉटेज फार्म हाउस में जो है अपना व्लॉग यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्यों बोले तो रात हो गया, अभी स्विमिंग करके जो है डिनर कर लिए हम लोग। ये देखिए पूरे जा रहे हैं, पूरे गाड़ियाँ हमारा निकल रहे हैं, अब देखिए पूरे पूरे जा रहे हैं, पूरा पूरे लोग बाहर आ गए अब। तो जब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को यूट्यूब पे रिजवान ब्लॉगर। अस्सलाम वालेकुम।